जी हाँ दोस्तों, आपको कल सब कुछ मैंने बता दिया था मीम कॉइन के बारे में कि ये कब लिस्ट होने वाला है। तो लगभग 1 बजे के आसपास ये लिस्ट हुआ और जो प्राइस हमने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली उतना ही प्राइस गया। एंड जो मैंने आपको एक हैक बताया था, हैक माने कि आपको बताया था कि इसको आपने सेल ही करना है, इसका और कोई तरीका नहीं है, तो वो भी आई बिलीव बहुत लोगों ने किया होगा क्योंकि नीचे मुझे कमेंट्स भी मिल रहे थे। किसी ने कहा कि सेल क्यों करना, तो उसी को कमेंट कोई कर रहा था कि हाँ क्यों सेल नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेल ही करना चाहिए, सेल करके प्रॉफिट बनाना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग बता देता हूँ, मेरा कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ है। इतने ज़्यादा कॉइंस होने के बावजूद इसकी वैल्यू जो मेरे पास थी वो लगभग सिर्फ $10-15 के आसपास ही वैल्यू आई है। लेकिन आगे क्या, अब हम आगे की बात करने वाले हैं, इस मीम कॉइन की बात करने वाले हैं, क्योंकि प्राइस एक्सपेक्टेशन तो मीट होगी लेकिन इसी के साथ साथ बहुत कुछ और भी सामने दिख रहा है हमें मार्केट में, क्योंकि फाइनली ये कॉइन मार्केट कैप .com के ऊपर भी ऑलरेडी लिस्ट हो गया है, यहाँ पे हम प्राइस भी देख पा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ पर मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। तो मीम के प्राइस के बारे में भी हर एक अपडेट डाली थी एंड मीम कॉइन के बारे में मैं रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट जो बाइनेंस के ऊपर आते हैं हमेशा मैं बताता ही बताता हूँ। अब चाहे इससे अगला कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम पैसा उठाकर उसमें लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमने फार्मिंग करी है, फार्मिंग करके जो जितना भी पैसा बने वैसे हम और भी किसी और प्रोजेक्ट आता है तो उसमें भी हम लगाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा हमें ये हुआ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मीम कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ज़्यादा मिलने का मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में अगर इसी कॉइन की वैल्यू $1, $10, $100 तक जाती है तो हमारे जो मीम कॉइंस पड़े हैं यही हमारे लिए एक गोल्ड या फिर एक डायमंड बन जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, एंटीसिपेशन ही आने वाले समय में हमें काम आने वाली है, क्योंकि ये कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, क्योंकि कॉइन के ऊपर लिस्ट हुआ है। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनेंस, यूनिस्वैप और V3 और V2 दोनों के ऊपर, और इसी के साथ क्यूकॉइन के ऊपर, OKX के ऊपर, तो एकदम से सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हुई है, बायबिट के ऊपर हुई है, कॉइन वन के ऊपर हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो इसी से एक चीज़ प्रूव हो रही है कि ये कॉइन चाहे सिर्फ एक मीम कॉइन है जिसका कोई भी काम नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉइन और प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके हम स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं ऑलरेडी, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया और उसके बाद गिर गया, प्राइस अभी भी उतना ही चल रहा है एज़ पर कॉइन मार्केट कैप, क्योंकि यहाँ पे 0.026 के आसपास पहुँचा था प्राइस और अभी चल रहा है 0.028 के आसपास। अगर हम बाइनेंस के ऊपर चलते हैं तो हम यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 0.100, यानी कि 10 सेंट तक ये प्राइस पहुँचा था। तो हमें जो एंटीसिपेशन थी वही थी कि 1 सेंट से लेकर कोई 10 सेंट तक जाएगा या फिर $1 तक जाएगा, लेकिन $1 से $3 मैंने आपको हाईएस्ट बताया था, एक जो एक्चुअल प्राइस बताया था वो मैंने आपको इतना ही बताया था कि 1 से लेकर 10 सेंट के आसपास जाएगा, पिछला वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो वैसा ही एग्जैक्टली हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो स्टार्ट होने वाली थी वो $0.001 से होने वाली थी, यानी कि 1 सेंट से भी कम में होने वाली थी, और हाईएस्ट सिर्फ इतना ही गया, यानी कि 10 सेंट के आसपास पहुंचा। अब मैं आपको जो नई चीज़ बता रहा था वो ये बता रहा था कि आज अगर हम एंटीसिपेट करके चलते हैं कि इसकी वैल्यू $1 भी जा सकती है, क्यों जा सकती है, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी आज के दिन 10 सेंट तक गया है तो आने वाले समय $1 भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुली चल रही है, बहुत अच्छा BTC परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल ग्रीड चल रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वगैरह हम चेक करते हैं, सारे ऑल्टकॉइंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मीम कॉइंस की बात करें तो वो भी स्टेबल चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है। तो इसका असर हमें मीम कॉइन यानी कि मीम लैंड वाली मीम कॉइन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा, यानी कि यहाँ पे आपकी जो फार्मिंग चल रही है, जो 30 दिन की फार्मिंग है, अभी भी हमारे पास लगभग 23 दिन बाकी हैं, इन 23 दिन के अंदर हम ये फार्मिंग कंटिन्यूस रखेंगे, चाहे वो FBSD पूल है, TSD पूल है या फिर BNB पूल है, किसी भी पूल में आपने कौन से भी कॉइन लगाए हुए हैं तो उनको ऐसे लगा रहने दीजिए जब तक अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च पूल के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पे जो पैसा लगा हुआ है ये हमारे मीम कॉइंस बनाता रहेगा। मीम कॉइंस हमारे पास जितने ज़्यादा इकट्ठे होते रहेंगे, आज नहीं तो कल हम इसको और भी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे सेल कर पाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट ने अपना जो दबदबा है वो तो बना ही लिया मार्केट में, मीम लैंड ने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया, लेकिन आप देख सकते हो एक भी ट्वीट इन्होंने नहीं किया, एक भी इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। जुलाई का आखिरी ट्वीट है और ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर भी इनके फॉलोअर्स बढ़ गए। सबसे पहला जो मेरा वीडियो था मीम कॉइन का, तब यहाँ पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, आज के समय में अगर हम देखते हैं तो 2.4 मिलियन फॉलोअर हैं, यानी कि सीधा सीधा 1 मिलियन फॉलोअर इनके बढ़ चुके हैं जब से इनका फार्म आया है बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर। अब किसी लॉन्च पूल का आना और वो भी बाइनेंस के ऊपर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और लिस्टिंग और ICO भी बाइनेंस के ऊपर आना ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो 9GAG का प्रोजेक्ट है, ये भी हमने कल के दिन डिस्कस किया था कि 9GAG का Web3 वेंचर स्टूडियो जो है उनका अपना मीमलैंड प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के पास इतना पैसा था कि इन्होंने लिस्टिंग भी यहाँ पे करवाई और ICO भी बाइनेंस के ऊपर करवाया, और इकट्ठी लिस्टिंग इन्होंने 3-4 एक्सचेंजेस के ऊपर करवा दी, जिसमें बाइनेंस क्यूकॉइन, OKX, बायबिट,
और कॉइन वन, ये सारी एक्सचेंजेस आती हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि और भी ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर आएगा, जैसे कि MEX एक्सचेंज है और भी ऐसी काफी सारी अच्छी एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर इनकी लिस्टिंग होगी। वैसे देखा जाए तो इन्होंने ऑलरेडी बेस्ट एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टिंग तो करवाई ली है, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर को सोच कर चलेंगे कि यही कॉइन्स हमें आने वाले समय में मिलियनर्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है, जब हम जनरली मीम कॉइन की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम $1 का लेते हैं तो हमारे पास मिलियन कॉइन्स आ जाते हैं, बिलियन कॉइन्स आ जाते हैं, $10 का लो, $100 का लो, लोग ऐसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है। यहाँ पे ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है कि एक्सचेंजेस के ऊपर जाओ, जैसे कि मीम कॉइन को आप सीधा बाइनेंस के ऊपर परचेज कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन यही है, इसके ऊपर आप क्वांटिटी बाय करके रख लो, क्योंकि हो सकता है कि यही एक लोएस्ट प्राइस चल रहा हो, आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्राइस हमारे हाथ में ही ना आए, तो इसको आप लेके रख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको $1 में या $10 में आपको मिलियन कॉइन मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग $0.001 से हुई है, तो इसके जो जीरो थी बहुत ज़्यादा कम थी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम थी, तो आपको यहाँ पे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो मीम कॉइन जितना खोखला अपने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है उतना खोखला है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी पोटेंशियल भी है। तो एक वो हो गया, दूसरा ये है कि यहाँ पे एक फायर सेल चल रही है। अगर आप memecoin.org के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आप मीम कॉइन्स को क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे रिफंड्स भी दिए जा रहे हैं अगर आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल नहीं होता है। अब यहाँ पे जब सेल चलती है तो सेल में क्या कि प्राइस और भी कम होता है, तो इस सेल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे memecoin.org के ऊपर आपका वॉलेट भी कनेक्ट हो सकता है, यानी कि ये सिर्फ एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, बल्कि हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्ट हो सकता है। वॉलेट कनेक्ट करके आप यहाँ पे फायर सेल में कॉइन्स ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे टाइम दिखता रहेगा, जैसे कि नेक्स्ट अनलॉक बताया जा रहा है कि 17 घंटे के बाद होने वाला है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, एयर ड्रॉप। तो एयर ड्रॉप को लेकर मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि एयर ड्रॉप हमें नहीं मिल रहा है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर के ऊपर एयर ड्रॉप की बात करी गई थी कि 25% मीम सप्लाई का एयर ड्रॉप के लिए दिए जाएगा, जो 17.2 बिलियन मीम कॉइंट्स बनते हैं। तो ये कॉइंट्स अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर ये आने वाला है। अब यहाँ पे शुरुआत हमेशा कॉइंट से होती है, लेकिन आगे चल के मीम लैंड, NFTs इनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी मार्केट बेस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, और वैसे ये भी कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने यहाँ बोला कि मीम लैंड NFTs के लिए आप अपने मीम कॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं, और इसी के साथ इनके मैप्स, वैल्यूबल्स, यानी कि NFTs इनके आने वाले हैं, हो सकता है गेम्स भी आएँ, और वैसे भी ये पूरी की पूरी वेबसाइट एक गेम की तरह ही दिख रही है, तो इनका जो ओवरऑल मोटिव होगा वो हो सकता है कि वो गेम का ही हो। तो ये अभी अगले ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं, एंड जो आपको पहले बताया कि आप फार्मिंग कंटिन्यूस रखें, जब तक नया लॉन्च पूल नहीं आता तब तक तो एटलीस्ट कंटिन्यू रखें। जब नया लॉन्च पूल आ जाएगा, नया प्रोजेक्ट आ जाएगा बाइनेंस के ऊपर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब हम नए प्रोजेक्ट में भी लगाएंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर लगा के रखें। तो आपको कितने कॉइन्स मिले हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा, यानी कि लॉन्च पूल के द्वारा जिसमें आपने फार्मिंग करी है, और इसी के साथ आपने प्रॉफिट कितना कमाया, चाहे वो $1 है, चाहे वो $10, $100, कितने डॉलर्स का आपने प्रॉफिट कमाया आज के दिन, ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी और मीम कॉइन, किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कॉइन को कवर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, टेलीग्राम के ऊपर आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो, और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।